महिला युवा कांग्रेस संगठन के कार्यकर्ताओं ने हिंदू महासभा के राष्ट्रीय सचिव का फूका पुतला। यूपी के सीतापुर में जिला युवा कांग्रेस संगठन के कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर गॉडसे के विचार को मानने वाले हिंदू महासभा की सचिव पूजा पांडे व उनके कार्यकर्ताओं की कार्यशैली से नाराज होकर शहर के मुख्य चौराहे लालबाग पर उनका पुतला दहन कर एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। आपको बताते चले कि सीतापुर में मंगलवार को जिला युवा कांग्रेस संगठन के जिला अध्यक्ष आशीष गुप्ता की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी के नाम से विख्यात एवं सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर गॉडसे के विचारों को मानने वाले हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा सुकून पांडे एवं उनके कार्यकर्ताओं द्वारा महात्मा गांधी के चित्र पर फायर करने के कृत्य से देश की सांप्रदायिकता एकता एवं अखंडता को खंडित करने का प्रयास किया गया है। इस कृत्य से देश में अशांति का माहौल फैलने की आशंका बढ़ गई है। इस दौरान कांग्रेस युवा संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। जानता है और महात्मा गांधी के नाम से जो विख्यात है सत्य अहिंसा के पुजारी हैं उनकी पुण्यतिथि पर हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे के द्वारा उनके पुतले को जो प्रतीक हत्या की गई थी और ये हत्या एक साजिश थी। इस हत्या ने देश के एकता और अखंडता को बिगाड़ने का प्रयास किया है। आज इसके विरोध में हम लोगों ने यूथ कांग्रेस के बैनर तले उनका पुतला जो पूजा शकुन पांडे का पुतला दहन किया है और राज्यपाल से मांग की है, सरकार से मांग की है कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर किया जाए। आपका नाम क्या है? मैं आशीष गुप्ता, जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस सीतापुर।